आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को बड़वानी जिले के पार्टी ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने जनसभा में कमलनाथ को सुना। कमलनाथ ने कहा कि बड़वानी जिला जो देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? सड़कों से लेकर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक में बड़वानी बुरी तरह पिछड़ चुका है। कमलनाथ ने कहा, 5 महीने बाद जो चुनाव होगा वह किसानों, नौजवानों और माताओं बहनों के भविष्य का चुनाव होगा। आपको तय करना है कि आप बड़वानी और मध्य प्रदेश का कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, इस चुनाव में उसका हिसाब लेना। 5 महीने बाद जो चुनाव होगा ये हमारे किसान भाइयों, नौजवानों और माताओं के भविष्य का है। और आपको तय करना पड़ेगा आप कैसा बड़वानी, कैसा मध्य प्रदेश आप आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये चुनाव इसका फैसला करेगा। ऐसा चुनाव कभी नहीं आया जहां जनता के साथ इतना धोखा हुआ। कहां घसीटा गया हमारा मध्य प्रदेश, ये आप सबके सामने। शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं हर 10 महीने 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, हर 10 महीने ये करते आप पढ़ते हैं ना। मैं तो शिवराज सिंह तो कहता हूं आप तो संविदार अतिथि शिक्षक वालों को रोजगार दे दो, बाकी बात छोड़ो। बड़वानी के पार्टी में मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश का 18 साल का हिसाब शिवराज सिंह जी नहीं दे पा रहे और उनको 18 साल बाद बहनें याद आईं, उनको संविदा याद आए, उनको कर्मचारी याद आए, उनको किसान याद आए। 5 महीने पहले चुनाव के कि वे फिर से गुमराह करना चाहते हैं, ध्यान मोड़ना चाहते हैं सच्चाई से। ये आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे बेरोजगारों की है। बेरोजगार 1 करोड़ नौजवान हैं, इसमें से लगभग 45 लाख तो रजिस्टर्ड है, पर रजिस्टर छोड़िए, लोगों का विश्वास रजिस्ट्रेशन में खत्म हो गया। 1 करोड़ लोग आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। मैं 2018 में मुख्यमंत्री बना था, उस समय मैं 2018 का मॉडल था, अब मैं 2023 का मॉडल हूँ। ये सबको समझनी है बात कि एक मिनट मैं खत्म कर लूं। ये आज बड़वानी आकर कि कितने गांव हैं, 800 से ऊपर गांव हैं जो सड़क में, जहां सड़क है वहां कच्ची है, जहां कच्ची है वहां टूटी है। मेन रोड पर जाने के लिए कितने किलोमीटर जाना पड़ता है, ये हालात बड़वानी के। और बड़वानी जिला तो और पार्टी तो ये तो रिकॉर्ड बता रहा, हमारे देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में है। तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी बड़वानी को, वो प्राथमिकता नहीं मिली, क्योंकि सोचते हैं ये तो मूर्ख बना देंगे इनको। बीजेपी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। ये 5 महीने के लिए है, पर जनता अब इस प्रलोभन में नहीं आने वाली। और मुझे सबसे ज्यादा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखें। ये चुनाव केवल किसी उम्मीदवार का या केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव बड़वानी के भविष्य का है, ये चुनाव हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य की घोषणा कर दे शिवराज। ये आज मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो आज शिलान्यास मंत्री बन गए। ये आज जो जितना झूठ बोल सकते हैं, रोज एक झूठ बोलना। मेरा कार्यकाल 15 महीने का था, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने थे। जो हुआ जनता गवाह। न्यूज़ लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।